नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर, थैंक यू सर। पन्ना के दुर्गेश जी, जी जी सर, ये बता दीजिए कि जो सूर्य की तरह आपका चेहरा चमक रहा है, जी जी, तो सूर्य जो है ना, वो प्रकाश कैसे उत्सर्जित करता है, विज्ञान का कौन सा सिद्धांत वहाँ लागू होता है? जी सर, इसके लिए नाभिकीय संलयन प्रोसेस होती है, जिसके तहत दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं सर, और ऊर्जा का निष्कासन करते हैं। जो आपने नाभिकीय संलयन की बात कही, नाभिकीय संलयन के लिए कितना तापमान चाहिए होता है? सर सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से भी तो किया था ना लोगों ने प्रयास उसके लिए? जी जी, चाइना ने प्रयास किया था सर। आपने जब राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन किया था, आपको एहसास था कि इस पद पर कितनी चुनौतियां होंगी? जी सर, क्योंकि मैं एक ऐसे सिटी से आता हूं जहां पर एक आरईडी रेंज है वर्तमान में फॉरेस्ट सर्विस की, तो मुझे थोड़ा थोड़ा जानकारी थी सर। क्या जानकारी थी, क्या चुनौतियां आपको मैंने वहां झेलनी पड़ेंगी? सर सबसे पहले तो वनवासियों की जो चुनौतियां हैं, लीगल कटिंग की जो उनसे जुड़ी हैं सर, तो साथ में सर फॉरेस्ट फायर की चुनौतियां जो मैं देख पा रहा हूं, जो मुझे नज़र आई देखने में सर। और सर मध्य प्रदेश तो कुख्यात है इंक्रोचमेंट सर, इंक्रोचमेंट, लेकिन और इलीगल माइनिंग के लिए? जी जी, इलीगल माइनिंग भी, लेकिन जो मैंने वो चीज़ें बताई सर, जो मैंने मेनली देखी है सर, मेरे पवई में प्रमुखता से देखी गई हैं। नहीं, चूंकि आपकी नियुक्ति तो मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में हो सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जी जी सर। तो इलीगल माइनिंग से रिलेटेड एक सिचुएशन आपको हम देते हैं कि मान लीजिए इलीगल माइनिंग हो रही है, आपको सूचना मिली, जी जी, लेकिन दुर्भाग्य से आपके पास टीम जो है छोटी है, रात का समय था, जी जी, टीम छोटी है, और आपको सूचना मिली कि इलीगल माइनिंग हो रही है, अब आपका दायित्व तो बनता है कि आपको वहाँ पहुँचना होगा और उसको रोकना होगा। जी जी, जब आप गए वहाँ तो देखे कि क्या है, उनकी संख्या ज़्यादा है, जी जी, और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके सहयोग से इलीगल माइनिंग धाधड़ हो रहा है, जी जी, क्या करेंगे आप? सर चूँकि एक ऐसी सिचुएशन होती है इलीगल माइनिंग की, अगर मुझे जानकारी मिलती है तो सबसे पहले मैं अपने जो बड़े कर्मचारी हैं सर, उनको इन्फॉर्म करूँगा इस बारे में, ताकि वो मेरा एक बैकअप पॉइंट रख सकें, और मैं जैसे वहाँ पहुँचता हूँ तो वो वहाँ की यथास्थिति को, वर्तमान स्थिति को उनसे फिर अवगत कराऊँगा, ताकि मुझे एक जो सफिशियंट फोर्स है वो अवेलेबल करा सके सर, उसके साथ ही मैं कार्रवाई करूँगा। क्या कार्रवाई करेंगे? मान लीजिए कि आप सब देखेगा, कहने मतलब है कि आप बहुत देर तक इंतजार भी नहीं कर सकते ना। जी जी सर, तो अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपसे बाहर जा रहा है, हमने पहले ही आपको सिचुएशन दिया कि आपके क्या है, आपका जो समूह है छोटा है, जी जी, उनका बहुत बड़ा है, जी जी, ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे? सर सबसे पहले मैं एक अनाउंसमेंट के साथ समझाइश कराऊंगा कि इस प्रकार की गतिविधियां कानूनी तौर पर अमान्य हैं, अवैध हैं, और इसके लिए दंडात्मक, कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो या तो आप इस प्रकार के संवेद जो मैं संवाद कर रहा हूँ आपसे, उससे उसके माध्यम से आप इसकी गतिविधि को वर्तमान में रोक दीजिए तत्काल रूप से। ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करके आप अपने और अपने टीम के लिए क्या है, जान जोखिम में डाल देंगे, क्योंकि उनको तो किसी हद पर पैसा चाहिए ना। जी जी सर, इलीगल माइनिंग के लिए वो बाकायदा आए तैयार होकर के, असलाह बारूद लेकर के, तो ऐसा करके आप नहीं लगता कि आप घिर जाएंगे उन लोगों से? जी सर, चूंकि अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं उनकी एक्चुअल पोजीशन को देखूंगा कि वो वर्तमान में कहाँ पर एक्टिव हैं, और उसके अनुरूप ही योजना बनाऊंगा कि किस प्रकार से कार्रवाई करनी है सर। आप पन्ना में हैं? जी जी सर, पन्ना से बिलोंग करते हैं। पन्ना में कौन कौन से मुख्य जनजातियाँ निवास करती हैं? सर पन्ना मेनली गोंड जनजाति निवास करती है। गोंड जनजातियों में आप देखिएगा कि दूध लौटावा विवाह का कॉन्सेप्ट है। जी 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 सर, लेकिन साथ ही साथ देखिएगा कि वधु मूल्य का भी कॉन्सेप्ट है। ये वधु मूल्य क्यों? सर उनकी एक परंपरा रही है कि लड़की को महत्व देते हैं, और उसके तौर पर ही वधु मूल्य प्रचलन है। उसके लिए सरकार अभी काम भी कर रही है, इस प्रकार की गतिविधियों को उनके संस्कार के साथ साथ उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ते हुए रोका जाए, और इसके लिए सर साथीदार अभियान भी चलाया गया था। आप वधु मूल्य को गलत समझते हैं? मैं सर, वधु मूल्य क्या है पहले दुर्गेश जी ये बताइए। सर बिल्कुल सर, विवाह के लिए जो कन्या पक्ष को कुछ मूल्य दिया जाता है, जिस प्रकार से अपने भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है, अमूमन
कि वर पक्ष को भी मूल्य दिया जाता है जैसे दहेज के तौर पर, वैसे ही महिला पक्ष को, कन्या पक्ष को कुछ मूल्य या राशि दी जाती है। आप वधु मूल्य और दहेज को एक माने के समान मानते हैं, समकक्ष या समान? जी सर, किसी भी प्रकार का लेन देन मैं सही नहीं मानता हूँ। इसके पीछे तर्क क्या है? क्योंकि देखिएगा कि आमतौर पर दहेज प्रथा का बड़ा विरोध होता है, जी, लेकिन वधु मूल्य का विरोध नहीं होता, सर ऐसा क्यों? सर उसको मैं इस तरीके से समझ पा रहा हूँ कि अभी वो अपनी संस्कृति को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं जनजाति एरिया, और उनको बहुत पहले से चला आ रहा है, तो पहले नंबर तो वो एजुकेटेड नहीं है इस इन चीज़ों को आपका लेकर। दहेज प्रथा बहुत प्राचीन व्यवस्था नहीं है? जी सर, बहुत प्राचीन दहेज प्रथा सर। एक आपने पढ़ा भी होगा कि आखिर वधु मूल्य क्यों लेते हैं? सर इस बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं, मैं जानकारी इसका नहीं? अध्ययन जरूर करूंगा ठीक, कोई सर। बात नहीं सर। दुर्गेश जी, जी सर। पवई विधानसभा की विशेषता बताइए मुझे। जी, सर पौई विधानसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से पन्ना की सबसे बड़ी विधानसभा सर। अच्छा, पन्ना की सबसे बड़ी विधानसभा पवई है। जी सर। कौन है यहाँ से MLA? सर वर्तमान में श्री प्रहलाद लोधी जी, कौन सी पार्टी से हैं? सर भारतीय जनता पार्टी से सर। पार्टी? आपने इस बार मताधिकार का उपयोग किया था, जी सर। मतलब आपके वोट से वो जीत गए ना? सर इसको मैं गुप्त रखूंगा, लेकिन कुछ महाबाद मधेश विधानसभा के भी चुनाव हैं, जी, तो किसको अगले MLA के रूप में देखते हैं आप पवई से? सर उसके लिए मेरा जो चुनाव होगा वो ये इस प्रकार से होगा कि स्थानीय नेता ही होना चाहिए जो वहाँ की समस्याओं से रूबरू हो, और उसके लिए वर्तमान और भूतकाल में भी उसने कुछ प्रयास किए हों, और साथ में ही वो जनता से उसका जो जुड़ाव है वो बिल्कुल करीबी से हो। लोहिया जी ने कहा था, व्यक्ति को मत मत दो, जी पार्टी को वोट दो। जी जी तो आपका क्या राय है, आप पार्टी को वोट देंगे कि व्यक्ति को वोट देंगे? सर मैं व्यक्ति को वोट दूंगा। व्यक्ति को। जी सर। लेकिन सरकार तो दल बनाते हैं। जी सर, चूंकि ये एक संवैधानिक प्रोसेस है सर, इसलिए दल का गठन किया चलिए, जाता पवई में धौलिया महल के बारे में बताइए मुझे। है। धौलिया महल सर। हाँ, सॉरी सर, इस बारे हनुमान भाटा जी सर उसके बारे में जानकारी है बताएं, सर। ये पहाड़ी पर स्थित प्राचीन हनुमान जी का मंदिर स्थित है सर यहाँ पे। क्या विशेषता है इसकी? सर सर्वप्रथम विवक्षता तो यही है कि सर पहाड़ी पर स्थित है और एक सिद्ध स्थल पे है, और इसकी जो दिशा है सर वो उत्तर की ओर है सर। उत्तरमुखी मंदिर जी है ना? उत्तरमुखी, और सर्वप्रमुख विशेषता सर यही है कि सर सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है सर वहाँ का। हाँ, पता नहीं कब बना है ना, किसने बनाया है। सर इसकी मैंने जानकारी जुटानी चाही थी, लेकिन मुझे एक ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली सर इसके और लिए। माँ कैलेही का भी कोई मंदिर है? जी सर, माँ कैलेही का मंदिर है क्या सर। विशेषता है इसकी? सर इसको इस तरह देखा जाता है, जिस प्रकार मैहर है माँ शारदा का मंदिर है, पवई का माँ कैलेही का मंदिर है, और पन्ना में प्राणनाथ जो एक मंदिर है सर उसको मैं प्रेजेंट में। श्री कृष्ण प्रणामी है जी, तो उसको एक ना, ट्रायंगल के तौर पर कि तीनों 60 डिग्री की दूरी पर स्थित है सर। तीन ट्रायंगल बनते जी हैं जी इसके सर। ना। श्री कृष्ण प्रणामी जो मंदिर है, जी इसकी सर। विशेषता बताइए मुझे। सर ये प्रणामी संप्रदाय से संबंधित है, प्राणी प्राणनाथ संप्रदाय सर। का हेडक्वार्टर है ना? जी जी सर। स्वामी प्राणनाथ जी छत्रसाल के गुरु थे ना? जी जी सर। तो प्राणनाथ जी के कुछ उपदेशों के बारे में बताइए मुझे, क्या थे उपदेश उनके? प्राणनाथ जी के किन उपदेशों से प्रभावित होकर के महाराजा छत्रसाल ने जी, डंगाई प्रदेश की स्थापना की थी, बुंदेलखंड राज्य? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। छत्रसाल जी के जीवन में प्राणनाथ जी का क्या महत्व था? सर उनको एक एज अ गुरु ने फॉलो किया, उनके उपदेशों के अंतर्गत ही उन्होंने अपनी जीवन शैली को ढालने की पूरा प्रयास किया सर। महाराजा छत्रसाल को हिंद साम्राज्य स्थापित करने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? सर प्राणनाथ जी से ही मिली थी। कि छत्रपति शिवाजी से? जी सर उनसे भी मिली थी। शिवाजी से मिली थी? जी सर। तो शिवाजी तो महाराष्ट्र में, प्राण छत्रसाल जी पन्ना में, कैसे मिल गई प्रेरणा इतनी दूरी से? सर उनकी एक भेंट हुई थी 1668 ईस्वी में, और चूंकि उनका दोनों का उद्देश्य एक ही था तो स्वभावतः जब एक उद्देश्य के लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं भेंट हो जाती सर। महाराजा चंपत राय का क्या योगदान है इस क्षेत्र में? सर चंपत राय छत्रसाल के बेटे ही थे सर, जो मैं अभी याद कर पा रहा हूँ। छत्रसाल छत्रसाल के के बेटे थे कि पिताजी, छत्रसाल उनके पिताजी, सॉरी सर, सॉरी सर, पिता वो हायर की, तो उनका भी योगदान था बुंदेलखंड की भूमि में सर। अच्छा, औरंगजेब से उनका युद्ध हुआ है काफी समय चलिए लंबे अब समय आपका पर। एक फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, है ना? जी जी सर। हिग्स बोसोन पार्टिकल आप जानते हैं, जी जी सर। है ना? हिग्स बोसोन पार्टिकल को अभी और रिसर्च हुआ, जी जी उसको और ब्रेक किया गया,
जी तो एक और पार्टिकल निकला उसमें, सब पार्टिकल जेड बोसन पार्टिकल, जी जी सर, है ना जी। ये क्या है, ये हिग्स बोसन पार्टिकल। सर हिग्स बोसन पार्टिकल को इस तौर पर देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से उसकी जो ऊर्जा है उससे निकलने वाली ऊर्जा एक अनंत ऊर्जा के तौर पर उसको देखा जाता है। एक छोटा सा पार्टिकल है जो अपने अपने अंदर असीमित ऊर्जा का को समाहित किए हुए है सर। गॉड पार्टिकल बोल सकते हैं इसको? जी सर, गॉड पार्टिकल। थैंक यू सर। बेटे ये बताओ जी, अभी मध्य प्रदेश राज्य की कुछ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आई है जी, जी सर, जल प्रबंधन को लेकर। जी जी सर, क्या आई है वो? सर मध्य प्रदेश जल प्रबंधन के रूप में के क्षेत्र में जो है उसको कोई सा स्थान मिला है? जी जी सर। कौन सा स्थान मिला है? शायद सर अभी मैं एक्चुअली याद नहीं कर पा रहा हूँ, प्रथम या द्वितीय प्रथम स्थान मिला। जी जी सर। ऐसा क्यों सर? जल प्रबंधन को लेकर जैसे यहाँ के बुरहानपुर जिला को, बुरहानपुर जिला और साथ में एक और शायद मैं एक्चुअली सिवनी जिला है, दोनों ने जल प्रबंधन के लिए कार्य किया सर। और वाटर रिसोर्स जो है जैसे जल इकाइयां लगभग 3,700 के करीब जी जी जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया गया है बहुत शानदार तरीके से। अच्छा, नगरीय निकायों जी जी को भी यहाँ शामिल किया गया था, नगरीय निकायों के लिए अलग से पुरस्कारों की व्यवस्था की गई थी जी जी। तो नगरीय निकायों को किन आधारों पर जो है पुरस्कार दिए गए हैं जल प्रबंधन? सर इसकी जानकारी भी मुझे नहीं है। कौन से नगरीय निकाय को जो है प्रथम स्थान मिला और किसको दूसरा स्थान मिला जल प्रबंधन में ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया सर, सॉरी सर, इसके लिए मुझे अध्ययन की जरूरत पड़ेगी। चलिए ये बताइएगा जी सर कि जो पन्ना बायोस्फीयर है जी जी सर, तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में जंतु विविधताएं कौन कौन सी हैं? सर इसमें बंगाल टाइगर है सर, चीतल है, सांवर है और इंडियन बाइसन है सर, और जंगली भैंसा है सर। इंडियन बाइसन रखा गया है सर? एक तौर पर यहाँ पाया गया था कैमरा ट्रैप के तौर पर, अभी वर्तमान स्थिति में क्या इंडियन बाइसन और जंगली भैंसा में क्या अंतर है? वही तो है ना? जी जी सर। इंडियन बाइसन इसका साइंटिफिक नेम है सर। जी सर। और सर और कौन से वन जीव? भेड़िया वगैरह है? जी सर भेड़िया भी है। भेड़िया, हमारे मध्य प्रदेश में भेड़िया कम पाए जाते हैं। जी सर, इसकी वर्तमान संख्या 776 है सर। 776 जी सर। तो क्या भारत में कौन सी पोजीशन है? भारत में सर द्वितीय पोजीशन पे है, मुझे अभी वर्तमान इसकी फर्स्ट पोजीशन है सर। इसको लेकर भेड़िया स्टेट भी है ना, फर्स्ट पोजीशन है, वुल्फ स्टेट बोला गया, वुल्फ स्टेट हो गया ना एमपी, वुल्फ स्टेट है। ठीक है सर। चलिए, इस बायोस्फीयर में वानस्पतिक विविधता क्या है? वनस्पतिक विविधता सर यहाँ पर सागौन के वृक्ष हैं, तेंदुए है सर, खैर है, महुआ है, कुल्लू गम है सर, सलाई गम है। और इसमें भौगोलिक विविधताएं बताओ, इसमें स्थलाकृति विविधता टोपोलॉजी सर? ये एक एक तरफ से बिंद रेंज से बना हुआ है और एक में रीवा पन्ना का पठार, दो प्रकार के पठारों से मिलकर बना हुआ है सर। कि बुंदेलखंड का पठार? जी जी सर, रीवा पन्ना में। पन्ना बायोस्फीयर तो लंबा चौड़ा है ना यार। जी पन्ना बायोस्फीयर कितने वन्य जीव संरक्षण केंद्रों को मिलाकर बना हुआ है? सर मेनली तीन को बना के मिला हुआ है, कैन, घड़ियाल अभ्यारण्य। घड़ियाल का नाम ही नहीं लिया था? जी सर, घड़ियाल का नाम ही कहाँ लिया था आपने जीव जंतु विविधता में? जी सर। चलिए हो गया कैन, कैन घड़ियाल अभ्यारण हो गया सर, गंगाऊ अभ्यारण हो गया और पन्ना नेशनल पार्क को मिला के बना हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व। गंगाऊ अभ्यारण्य अलग है क्या? जी सर। कि दोनों को एक करके बोलते हैं? नहीं नहीं अलग है सर, कैन घड़ियाल से अलग है। चलिए चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू जी सर। थैंक यू सर। दुर्गेश जी। जी सर, आपका क्रम से बताइए, जो एकेडमिक है उसमें हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन के ईयर बताइए क्रम से। सर मेरा हाई स्कूल 2012 में हुआ है, हायर सेकेंडरी 2014 में हुआ है और ग्रेजुएशन 2017 में हुआ है सर। तो बीच में क्या हुआ, ट्वेल्थ के बाद 14? जी जी 14 के बाद कब होना चाहिए, 14, 15? जी जी और 16? जी जी। गैप कैसे हो गया? नहीं सर, वो ईयरली चलता है, अप्रैल चूंकि लग चुका था जब मार्कशीट मिलती है तो अप्रैल 2017 लग जाता है सर। अच्छा। जैसे 14 में रिजल्ट जो जारी होती है सर जून जुलाई के आसपास। उसके बाद क्या किया 17 के बाद आपने? सर मैंने तैयारी की है, प्रिपरेशन की है। इतना समय? चूंकि मैं सर 2019 में एलिजिबल हुआ था पहली बार। हाँ। और ये परीक्षा सर 2020 की है, तो 19 में सर मैं एक नंबर से रह गया था। हाँ। और उसके बाद ये मेरा दूसरा प्रयास है सर। ये आपकी अभिरुचि क्या है? सर इसमें हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट करना है सर। क्या है इसमें? सर इसमें अपनी उच्च तीव्रता के साथ कम समय अंतराल में अपनी मैक्सिमम पावर के साथ वर्कआउट करते हैं सर। ये कैसे सहायक होगी आपके वन सेवा में?
सर इसके माध्यम से चूंकि मैं अपनी मेंटल वेलबींग के साथ फिजिकल वेलबींग को संभाल पाऊंगा और चूंकि ये प्रत्यक्ष बेनिफिट होगा, मैं अपना एंड्योरेंस मजबूत कर पाऊंगा और मैं अपनी ज़्यादा समय और ज़्यादा सेवाएँ वन विभाग को दे पाऊँगा। अब इस प्रत्यक्ष लाभ को देखते हुए जो मेरे अधीनस्थ और मेरे से मेरे समकक्ष कर्मचारी हैं वो निश्चित रूप से सभी स्वास्थ्य को लेकर सेंसिटिव होते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद से क्या प्रभावित है क्या भारत? जी सर, उनका योगदान रहा है क्रांतिकारी के तौर पर और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर। तो ये आपने मूछे मिस्टेक्स वगैरह अभी ऐसे बना के रखी है? सर वो जो चूँकि जेनुअली जब ह्यूमन बींग को मूछे आती है तो मेरी भी आई, तो एक रखने का पैटर्न मैंने रखा तो अच्छा लगा, तो लोगों ने भी इसको अप्रिशिएट किया तो मैंने सर इसको रखना प्रारंभ किया। जम भी रही है ना। थैंक यू सर। आपका जन्मदिन दिवस कब है? सर 13 अक्टूबर सन 1997। कुछ और भी किसी का है क्या 13 अक्टूबर को किसी का जन्म? जी सर, मार्गरेट थ्रेचर अपने यहाँ के जो क्रिकेटर थे, सी के नायडू जी का, और सर एक फिल्म अभिनेता थे अशोक कुमार सर का। सर और कोई? बस अभी मैं याद इतनी याद कर रहा हूँ सर। ठीक है, ये पांडे के बारे में बताएंगे आप कुछ? जी सर, पांडे जो उपनाम है आपका। जी जी सर, इसको लेकर संस्कृति के आधार पर बताना है या आधार पर? जो भी बताइए सर। इसको जो 13 ब्राह्मण रखे गए हैं उनमें से एक पांडे को रखा गया है सर। इसके आगे गौतम गर्ग और मलिया आते हैं सर, और पांडे का जो इसमें तीन पांडे चलते हैं, सरयू पारी चलते हैं सर, और एक सनाड भी चलते हैं सर। सनाड पांडे, सरयू पारे, जिजोतिया। जी जी सर, तीनों में आते हैं। जी जी सर, और एक घाट के पंडा होते थे। जी जी, पंडा से बन गए पांडे। जी जी सर। बाइसन अकेले रहना पसंद करते हैं या कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, परिवार में रहना? सर इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, माफ कीजिए सर। मतलब इनका हैबिटेट वगैरह आवास आपको कुछ जानकारी नहीं है? जी सर, इसके बारे में अध्ययन करूंगा सर मैं। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको किसी राजनीतिक पार्टी से टिकट मिल रहा है। जी जी सर। और जितना भी तय है। जी जी। एक दूसरा है कि एक प्रशासनिक सेवा है और वन सेवा है। जी जी सर, इसको आप प्राथमिकता देंगे? सर चूंकि मैं वर्तमान में काफ़ी लंबे समय से वन सेवा से जुड़ा हूँ। हाँ। और मेरी जो अभिरुचि है वर्तमान में वो वन सेवा में जाने के लिए ही है, तो मैं वन सेवा को ही चुनूंगा सर। राजनीति में नहीं जाएंगे? नहीं सर, चूंकि वो मेरा अभी कोई लक्ष्य नहीं है, वो मेरा कोई इरादा नहीं है, और मेरी अभिरुचि वन सेवा में ही है सर। ठीक, अभी बुलाते हैं ना। बुलाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। दुर्गेश जी बैठ जाइए। जी सर, थैंक यू। कैसा लगा आपको दुर्गेश इंटरव्यू? ठीक सर, सर तो कुछ नॉलेज में कमी थी कुछ फैक्टों को लेकर, जैसे जल प्रबंधन में सर ने पूछा था। खैर मेंस आप कर रही हैं तो फैक्ट का तो ऐसा नहीं है, एंडलेस है साक्षात्कार, तो कुछ नहीं, कुछ चीज़ जानते हैं है, ऐसा नहीं है जो कि नॉलेज का तो कोई लिमिटेशन नहीं है। जी जी सर, लेकिन जैसा कि आप भी जानते होंगे आपका मेंस में नंबर अच्छा है, सर बता भी रहे थे। जी सर, तो जो इंटरव्यू है वो भी अच्छा है। बस जहाँ जहाँ देखिए, हर आदमी में ना एक तमन्ना होनी चाहिए कि नहीं हम अधिक से अधिक सीखें। जी जी सर, है ना, त्रुटियाँ कम रह जाए, और कम त्रुटियों के साथ अगर आप जाइएगा बोर्ड में तो आपका सिलेक्शन भी सुनिश्चित है। जी जी सर, है ना, और इतना अच्छा अवसर मिला है, हमको नहीं लगता इससे बढ़िया अवसर मिला। बिल्कुल सर। एक दो चीज़ कीजिएगा, जैसे हमने पूछा था नाभिकीय संलयन के लिए। जी जी, उत्तर आपने ठीक दिया था, नाभिकीय संलयन उसके लिए लगभग 1.5 से 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए था। ठीक है सर, आप पहुंच भी गए थे चाइना को, लेकिन आपने वधु मूल्य जो है ना। जी जी सर, वो जो गौण समाज में आर्थिक परिपूर्ति का परिचायक है। देखिएगा, गौण समाज विशुद्ध रूप से कृषक समाज है। जी सर, अब उस समाज में क्या होता है कि भाई माता पिता है, उनके 2-3 बच्चियां हैं या जो बच्चे हैं। जी जी, अब मिलकर खेती कर रहे हैं। जी, अब उसी परिवार में चूंकि परिवार के सभी सदस्य आर्थिक क्रिया में सहभागी हैं। जी जी सर, अब उस घर की एक बिटिया को विवाह करके कोई ले जाता है। जी जी, तो काम करने वाले 2 हाथ कम हो जाएंगे ना। जी जी, उसको कंपनसेट करने के लिए वधुमूल्य दिया जाता है, इसलिए इसका विरोध नहीं होता है। ठीक है, और इसमें कोई बाध्यता विवशता नहीं कि इतना ही देना पड़ेगा जैसे दहेज में होता है। जी जी सर, है ना। ठीक है सर, इसलिए है। और बाकी छोटा सा आपको था कि जल प्रबंधन वाला प्रश्न हमने भी दिया है ना। जी, उसको ठीक कर लीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।